सॉलिड मतलब जैसे बर्फ हो गई, आइस। तीन कन्वर्जन आप जानते हैं कि भाई सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, गैस से प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। गैस को इतना ज्यादा हीट कर दो कि वो प्लाज्मा बन जाए, आयनाइज गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अलग बात होगी। मेन अभी हमें पढ़ना है कि सॉलिड से लिक्विड में बदलता कैसे है। तो आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे बदलता है कि जब सॉलिड को हीट दोगे, गर्मी, क्या दोगे, हीट, तो अपने आप वो पिघल कर लिक्विड बन जाए। पिघलने को कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अब कहेंगे सर बर्फ फ्रिज से निकाली तो वो जो है अपने आप पिघलने लगी, उसको तो गर्मी दी नहीं, तो उसको गर्मी कैसे दी भाई। फ्रीजर में जो है टेम्परेचर माइनस में होता है ना, और बाहर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री 40 डिग्री तक होता है, 25 से 40 के बीच में, आजकल 25 से 30 के बीच में रहता है, तो समझ में आई बात। तो वही इसकी बर्फ के लिए जो है, बर्फ के लिए, आइस के लिए यही ज्यादा गर्मी है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ जमती भी है, 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना भी स्टार्ट कर देती है, 0 से नीचे जमी रहती है, -1, -2, -3 डिग्री सेल्सियस ना। तो इसलिए जब सॉलिड से लिक्विड में करना है तो इस प्रोसेस को जब होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। तो इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, द प्रोसेस ऑफ, यानी प्रक्रिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में, ठोस से पानी की तरह बनने की प्रोसेस को हम कहेंगे लिक्विड। जैसे आइस थी, अब पिघल के क्या बन गया, वाटर, है ना। कोई भी चीज हो, खाली बर्फ में नहीं, कोई भी चीज, ठीक है, और सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पिघलना भी शुरू कर देती है, 0 डिग्री सेल्सियस जमती भी, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसका सेम है, ठीक है। और दूसरी चीजों का अलग अलग है कि किसी और चीज को पिघलाओगे, लोगों को पिघलाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। चलिए अब लिक्विड से, पहले यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बना, अगर हमें लिक्विड है, पानी है, उसको बर्फ जमाना, बर्फ बनाना है तो कैसे करेंगे, फ्रीजर में रख देंगे। यानी कि लिक्विड को अगर सॉलिड बनाना है तो इसको कूल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कूल। सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो कूल। अच्छा, एक्चुअल में जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल इतने पास पास होते हैं, और जब गर्मी दी तो ये जो मॉलिक्यूल थे एकदम यूं थे, और जब हीट दी तो मॉलिक्यूल अपने यूं जगह बनाने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं ना, स्पेस देने लगते हैं। तो पहले यूं था स्पेस, अब यूं करके होने लगता है। तो जब हीट दी, यूं था, हीट दी और यूं से यूं हो गया, लिक्विड बन गया, मॉलिक्यूल में जगह आ गई है ना। अब इस जगह को फिर टाइट करना है तो यहाँ पे कूलिंग दी, कूलिंग से टाइटनेस आ गई और टाइट होकर वो सॉलिड बन गया, क्लियर हो गया बात। इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग माने जमना, ठीक। इसी तरह अब लिक्विड को अगर गर्म करेंगे, हीट देंगे, इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस, ठीक है। लिक्विड को हीट दी, गैस बन गया, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अच्छा एक बात देख रहे हैं, वेपराइजेशन की स्पेलिंग है PORISATION होता है, वेपर लिखना है तो POUR लिखते हैं, यहाँ पे यू हट जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, हीट दी हमने तो उसको कहेंगे वेपराइजेशन। और एवापोरेशन भी एक चीज होती है, एवापोरेशन, इसमें क्या होता है कि लिक्विड को जो उसका 100 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड है उससे पहले ही वो लिक्विड गैस बन जाए। जैसे सूरज जो है गर्म होता है, पानी पे पड़ती है उसकी लाइट समंदर से, तो समंदर के क्या होता है, वो गैस बन के एवापोरेट होके बादल बन जाता है, फिर उससे बारिश होती है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ये फर्क है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद भाई क्या बात आती है, गैस से लिक्विड में चेंज होना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, 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 ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड में चेंज होना, क्या होता है, गैस से लिक्विड। अब तुमने देखा होगा कि भाई हमने फ्रिज से बॉटल निकाली,
हमने क्या किया, फिर से बॉटल निकाली, फ्रीजर में थी जो एकदम बढ़िया थी, जैसी बॉटल निकाली तो यहाँ पर ड्रॉप बाहर पर बनने लगती है, बॉटल के बाहर ही टपकने लगती है ना, देखा नहीं देखा है। तो कैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर, जैसे हमने फ्रीजर से निकाली तो यहाँ हवा है, यहाँ पे क्या है, हवा है, चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और जैसे ही एटमॉस्फेयर की हवा उससे टकराई और हवा कूल हुई, हवा कूल होकर क्या बन गई, लिक्विड, लिक्विड की ड्रॉप्स बनने लगी। तो पता चला हवा यानी कि हवा क्या है, गैस, गैस जो है जब ठंडी हुई, गैस जो ठंडी हुई ठंडक से टकराई ठंडी ठंडी बोतल से, तो इसी के ऊपर क्या हो गई, वो लिक्विड में बदलने लगी। ठीक है, बाहरी पानी निकलता, वो पानी अंदर से नहीं निकलता बॉटल के, वो बाहरी होता है बॉटल के। ठीक है, वही गैस ठंडी होके लिक्विड बन जाती है। क्लियर हुई, तो कंडेंसेशन बात समझ में आई। अब तुमने देखा होगा कि डायरेक्ट जो